की खरीद में कथित गड़बड़ियों को मुद्दा बनाएगी सपा, इससे 2027 का सेमीफाइनल मान रही पार्टी। सपा उपचुनाव में जमीनों की खरीद में कथित गड़बड़ियों पर फोकस करेगी। भ्रष्टाचार, खाद संकट, कानून व्यवस्था, संविधान और बेरोजगारी उसके प्रचार के मुख्य मुद्दों में शामिल रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को गाजियाबाद में समर्थकों की बैठक के जरिए पूरे प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं को सियासी संदेश देने का प्रयास किया। अखिलेश ने उपचुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान का आगाज गाजियाबाद से किया है। वे शीघ्र ही अन्य सीटों पर भी प्रचार के लिए जाएंगे। पार्टी उपचुनाव को अगले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि यहां मिली विजय से एक संदेश जाएगा कि भाजपा को हराना सपा के लिए मुश्किल नहीं है, इसलिए सपा का पूरा फोकस है कि धार्मिक आधार पर मतों का विभाजन ना हो सके। वे पीडीए के नारे से जाति के आधार पर ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सपा के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि भाजपा के धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश का जवाब पीडीए की रणनीति ही है। अखिलेश ने गाजियाबाद में समर्थकों को यह मनोवैज्ञानिक संदेश देने पर फोकस किया कि जनता पूरी तरह से भाजपा को हटाने के लिए तैयार है। अगर सपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करे तो यूपी की सत्ता हासिल करने का उनका लक्ष्य आसानी से पूरा हो सकता है। महानगरों में जमीनों के धंधे को लेकर जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं, उसे मुद्दा बनाने में सपा पीछे नहीं रहना चाहती। यही वजह है कि अखिलेश ने सार्वजनिक मंच से कहा कि गाजियाबाद में ही नहीं लखनऊ और अयोध्या में भी जमीनों की खरीद फरोख्त का रिकॉर्ड रजिस्ट्री विभाग सार्वजनिक करे। इसे उपचुनाव में सपा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। भाजपा सरकार के सभी असंवैधानिक फैसले बदले जाएंगे। मदरसा शिक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने कई असंवैधानिक फैसले लिए हैं। हमें भरोसा है कि जितने भी असंवैधानिक फैसले भाजपा सरकार ने लिए हैं, वे सब बदले जाने चाहिए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसलों पर भाजपा सरकार को कई बार कड़ी फटकार भी लगाई है।